हाँ बेटा, पिछली क्लास में आप लोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में एक टॉपिक देखा मैंने आपको, टेम्परेचर 383 का भी खेल बताया, 413 का भी बताया था। 413 में आपने बताया था बेटा, सांद्र एसिडोफोर की उपस्थिति में यदि एल्कोहल का निर्जलीकरण 413 केल्विन ताप पे कराओगे तो ईथर का निर्माण, 383 पे कराओगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण। फिर मैंने आपको बताया था, सेकेंड लिखा था मैंने कि आप लोग जब एल्कोहल की क्रिया मतलब ROH की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन लिखो, या हम कह सकते हैं 433 से लेकर 443 केल्विन लिखे, तो आप लोग यहाँ निर्माण कराओगे किसका बेटा, एल्कीन का निर्माण होगा। किसका होगा? एल्कीन का निर्माण होगा। और एक तरह से इसको बोलोगे बेटा आप लोग अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कितना रखना है आपको? टेम्परेचर 443। अब क्रिया करवानी है आपको भाई, इसकी रिएक्शन लिखनी है बेटा आप लोगों को। तो आपने लिया बेटा CH3CH2OH, क्या है ये? एथेनॉल है, ये आपने एथेनॉल लिया। टेम्परेचर यहाँ लिख दोगे कंसनट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4, और आप लोगों का टेम्परेचर लिखोगे 443 लिख सकते हो और 433 से ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, देखो तरीका, ये वाला अल्फा कार्बन है कि नहीं है, और अपन जानते हैं किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है, पहली बात समझ लेना। फिर यहाँ पर जस्ट दूसरा कार्बन होता है, इसको बोलोगे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन ये वाला रहा, और इससे जुड़ने वाली हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाती है। अपन इसको यहाँ इस प्रकार से लिखे, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा आपको। यहाँ से आपने ये H लिया, मैंने यूँ लिख दिया, ये आपका सिग्मा बंद है, ये वाला भी आपका सिग्मा बंद है कि नहीं सिग्मा बंद। अब यहाँ से तो OH तोड़ो और यहाँ से H को लो, क्या बाहर निकल रहा है बेटा? यहाँ से आधा बंद, इधर जाओ आधा बंद है, तो यहाँ हो गया द्विबंध। अब द्विबंध हो गया तो आपको उत्पाद बना बेटा CH2 द्विबंध CH2 प्लस H2O, और H2O में ये क्या बना बेटा, एथीन का निर्माण हुआ। तो टेम्परेचर जब सांद्र H2O4 की उपस्थिति हो, टेम्परेचर 443 केल्विन ताप हो, तो बेटा एल्कीन का निर्माण होगा, जिसको आप लोग बोलोगे अल्फा बीटा विलोपन के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस रिएक्शंस को आसानी से उतारो। कहने का मतलब है कि जब लिख सकते हैं अपन हिंदी के रूप में, जब एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब जब एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 433 से 443 केल्विन पर कराते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? एल्कीन का। अब एल्कीन का निर्माण के लिए बेटा इसकी एक मैकेनिज्म है, अर्थात क्रिया विधि है। तो निर्जलीकरण के अंदर आप लोगों ने टॉपिक अपना चल रहा है, तो इसी अभिक्रिया की आपको क्या करनी है, क्रिया विधि देखनी है। देखो क्रिया विधि के मैं आपको स्टेप बताऊंगा अलग अलग, इसके अंदर इसको अपन दो भाग बांट देते हैं। यहाँ क्रिया विधि सबसे पहली बात है कि बेटा फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप नंबर पहला, स्टेप फर्स्ट में बेटा आप लोग H2SO4 को वियोजित करोगे, और अपन जानते हैं H++ HSO4- माइनस में टूटेगा, ठीक है बेटा। अब इस स्टेप नंबर सेकंड, अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या है बेटा, आपको मैं बता देता हूँ कि एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर बेटा दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है बेटा। एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सेकंड स्टेप में क्या है कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो एक लुईस छार की भांति व्यवहार करते हैं, और ये क्या करता है, जो प्रोटॉन है वे प्रोटॉन है वो उस पर आक्रमण करेगा। किस पर करेगा बेटा? उस लोन पेयर वाली ऑक्सीजन पर आक्रमण करेगा, और ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा। किसका होगा बेटा? यहाँ हम कह सकते हैं ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। कौन से स्टेप में बेटा? ये सेकंड स्टेप में। अब ऑक्सोनियम का मतलब होता है जब ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश होता है तो वो आयन कहलाता है बेटा ऑक्सोनियम आयन। अपन यहाँ देखें बेटा CH3CH2O 1 2 3 4 और ये H, जब आप किसी की भी क्रिया विधि बताओगे तो उसको खोल के सही तरह से बंद लगाओगे, लोन पेयर लगाओगे, ठीक है बेटा। ये लोन पेयर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दो लोन पेयर,
ठीक है बेटा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये भांति व्यवहार करेंगे लुईस क्षार की भांति, और क्रिया किसके साथ होगी, H प्लस अर्थात प्रोटॉन के साथ। अब प्रोटॉन के साथ जब अभिक्रिया होगी तो बेटा ये यहाँ जुड़ेगा तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब जुड़ने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो अपन कह सकते हैं बेटा यहाँ पर उत्पाद क्या बना, CH3CH2O, एक दो तीन, और अपन ने H एक तो यहाँ जुड़ी रहा है, एक H और जोड़ दिया, यहाँ पर हो गई कमी तो आ गया प्लस आवेश। जब प्लस आवेश यहाँ आया तो इसको बोलोगे ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन बना। अब बेटा देखो सबसे पहली बात है कि ऑक्सोनियम आयन जो बना है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु है कभी धनावेशित नहीं रहती, कहने का मतलब अपने पास धनावेश नहीं रह सकते, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ऑक्सीजन परमाणु एक समृद्ध है, कहने का मतलब सेठ है, और सेठ आदमी पैसे रख सकता है। अब यहाँ सेठ आदमी के पास तो पैसे की कमी आ गई तो ये सहन नहीं करेगा, अर्थात पैसा ग्रहण करने की कोशिश करेगा, तो ये पूरा ग्रहण करेगा तो एक जलकणु बाहर निकालेगा। तो मेरा कहने का मतलब स्टेप नंबर थर्ड। अब स्टेप नंबर थर्ड में आप लोग जो स्टेप नंबर सेकंड में बना हुआ ऑक्सोनियम आयन है उसको उतारोगे CH3CH2O, यहाँ पर ये H, ये प्लस लगाओगे एक दो, और यहाँ पर H। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, एक जल के अणु का निष्कासन, तो माइनस क्या कर दिया अपन ने H2O, कहाँ से बढ़ा H2O, यहाँ देखो बेटा ये H2O का निष्कासन हो गया, ये बंद लेके चला गया, ये पूरा का पूरा H2O बाहर निकालो तो धनावेश पहुँचाएगा इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन पे पहुंचा तो CH3CH2+, और आपका भार क्या निकल गया बेटा, जल भार निकल गया, ठीक है। अब ये जो बना है वो है बेटा एक एथिल कार्बोकैटायन, क्या है बेटा, एथिल कार्बोकैटायन। अब एथिल जो कार्बोकैटायन बना है वो बेटा होता है अस्थाई, अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, हमने पहले पद में H प्लस उधार लिया था, अब उधार लिया तो इसको देने की बारी आ गई, जो अपने H प्लस लिया है उसको देने की बारी आ गई, तो स्टेप नंबर आपका फोर्थ मानो तो इसको बोल सकते हैं बेटा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर फोर्थ है तो बने हुए एथिल कार्बोकैटायन से एक H प्लस का क्या होगा निष्कासन, तो CH3 को अपन यूँ लिख दें CH2 और ये H, और ये CH2 और ये प्लस, यही कंडीशन है। अब ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा बेटा, ये H को अपन क्या बाहर निकाल रहे हैं, प्लस के रूप में बाहर निकाले, जब प्लस के रूप में बाहर निकाले तो पूरा बंद ये छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब जाएगा तो आप कह सकते हो CH2, अब ये पूरा बंद चला गया यहाँ पे, ये द्विबंध, ये CH2 और प्लस हो गया बेटा H प्लस बाहर निकल गया प्रोटॉन, जो हमने पहले पद में किसी से उधार लिया था। अब आपका स्टेप नंबर फोर्थ के बाद अपन लास्ट में बोल सकते हैं कि भाई स्टेप नंबर फिफ्थ में बना हुआ H प्लस किससे क्रिया करेगा, HSO4 माइनस के साथ, और आपका बनेगा H2SO4, और आपकी अभिक्रिया क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। तो वापस सुन लो, ये निर्जलीकरण क्रियाविधि की मैकेनिज्म है, निर्जलीकरण की। पहले पद में आप लोग H2SO4 को तोड़ोगे, प्रोटॉन प्लस हाइड्रोजन सल्फेट बनाओगे, फिर स्टेप नंबर सेकंड में अपन जानते हैं कि एथिल अल्कोहल जिसका नाम है ये एथेनॉल है, और एथेनॉल के ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर है तो वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेंगे, तो यहाँ पर इस H प्लस का क्या कराओगे बेटा, आप आक्रमण कराओगे तो आपका एक यौगिक बनेगा जिसका नाम है ऑक्सोनियम आयन। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन परमाणु पर जब धनावेश होता है तो उसको ऑक्सोनियम आयन बोलोगे, फिर बना हुआ ऑक्सोनियम आयन है कि ऑक्सीजन परमाणु धनावेश नहीं रखेगा, जब नहीं रखेगा तो ये एक जल के अणु का निष्कासन, देखो यहाँ से यहाँ तक एक जल के अणु का क्या कर रहे हो आप लोग, निष्कासन कर रहे हो, जब निष्कासन कर रहे हो तो आप लोगों को जब करोगे धनावेश कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, इधर पहुँचेगा तो इसका नाम है एथिल कार्बोकैटायन प्लस H2O। अब ये एथिल कार्बोकैटायन क्या है बेटा, अस्थाई है, ये है बेटा अस्थाई। अब अस्थाई है तो यहाँ से एक H प्लस का क्या होगा बेटा, निष्कासन, जब निष्कासन होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका बढ़ेगा वो एथीन बन गया, जिसको बोलोगे एल्किन प्लस H प्लस बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से स्टेप नंबर पाँच में आप लोग देख सकते हो इस प्रकार, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से उतार सकते हो, स्टेप नंबर पहला, दूसरे में ऑक्सोनियम आयन, थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी बुक्स में भी दी हुई है कि ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर है दो, जिनके कारण ये किसकी भांति व्यवहार करता है बेटा, एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, जिस पर प्रोटॉन का आक्रमण होगा, प्रोटॉन का आक्रमण होगा तो ये बंद दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेगा,
ऑक्सोनियम आयन बनाना। ऑक्सोनियम आयन भी क्या होता है, अस्थाई एक जलकणु बाहर निकालेगा, कार्बोकैटायन बनाना। कार्बोकैटायन अस्थाई है, अपनी स्टेबिलिटी को सही करने के लिए एक एच प्लस को वापस बाहर निकालेगा, एल्किन बनेगा। और फिर लास्ट वाले पद के अंदर आप लोग ये बता सकते हो। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है कि आप लोग निर्जलीकरण पूछे तो आप सवाल किस प्रकार से बनता है, क्या बनता है, तो उसके बाद मैं आप लोगों के इस निर्जलीकरण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा और उनके आप लोगों को उत्पाद सामने लिखूंगा। ठीक है बेटा, चलो। तो निर्जलीकरण से संबंधित क्वेश्चन अर्थात सांद्र H2O4 और तनु H2O4 का कुछ जो खेल है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि भाई एग्जाम्पल किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे दे रखा है बेटा CH3CH2OH और ऊपर लिखा हुआ है सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर लिखा है 443 केल्विन। तो यहाँ आपसे उत्पाद पूछेगा फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जैसे आप लोगों का एक एल्कोहल ये ले ले और इसके जानते हो आप लोग साइक्लोहेक्सेनॉल है, यहाँ टेम्परेचर आप लोग ले रहे हो वही सांद्र H2O4 वाला ले लेते हैं। अभी बता देता हूँ मैं सांद्र H2O4 और टेम्परेचर ले लिया 443 ही वही। फिर यहाँ पर भी आपको उत्पाद का UPAC नाम वगैरह बताना है। तो ये तो क्या चीज़ है बेटा, एथेनॉल। ये क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, अब दोनों रिएक्शंस के बारे में पहले बता देता हूँ आप लोग। यहाँ देखना है, फोटो देखनी है, फोटो देख रही 443 है, निर्जलीकरण कराना है। अल्फा कार्बन से तो OH को दे देना और इससे वाले से आप लोग क्या लाओगे, H हटाओगे। H हटाओगे तो आपको बनेगा H2O। उत्पाद जो बना CH2 द्विबंध CH2, तो आपका उत्पाद जो बना उसका नाम है एथीन। ठीक है बेटा, फिर यहाँ देखो ये अल्फा कार्बन है नहीं बेटा, और ये दोनों ये बीटा कार्बन है, ये भी कौन सा है, बीटा डैश। आप इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, तो देखो बेटा OH तो यहाँ से गया और H यहाँ से गया। जब OH और H यहाँ से गया तो आप यहाँ लगाओ द्विबंध, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम क्या होगा, प्लस करके कर सकते हो H2O और H2 है तो नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। क्या बना आपका, साइक्लोहेक्सीन बना। और साइक्लोहेक्सीन बना जलकणु बाहर निकालोगे, पहली बात। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप लोग सीधा सीधा इसका जवाब दोगे, पहली बात। अब इन्हीं रिएक्शंस की बात करें तो अब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर दें। चेंज का मतलब जैसे इसी की बात करें आप लोग, और आओ जाओ बेटा थर्ड वाली क्वेश्चन। और आपको लिखा है बेटा CH3, ये वाला लेते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल, और टेम्परेचर यहाँ सांद्र H2O4 है, सांद्र H2O4 और टेम्परेचर दे रखा है 413 केल्विन। ठीक है बेटा, कितना 413, मैंने आपको बताया 413 पे ईथर बनाना। अब ये दो बेटा दो काम आएंगे, हाँ बेटा दो आएंगे क्योंकि जलकणु बाहर निकालना है। तो आपका उत्पाद क्या बनेगा, आपका उत्पाद यही तो बनेगा बेटा, देखो बोलो बना के नहीं बना, प्लस H2O। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये साइक्लोहेक्सिल है, तो डाई साइक्लोहेक्सिल इथर इसका नामकरण आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें जलकणु बाहर निकालोगे। तो आप लोगों से यदि कहीं ना टेम्परेचर थोड़ा सा ध्यान रखना, 413 इथर, 383 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अर्थात एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, और 443 तो एल्कीन का निर्माण करोगे। फिर आप लोगों ने पाठ नंबर 10 में ये भी पढ़ा था बेटा, जिसके अंदर आप लोगों ने सैथजैफ नियम पढ़ा था। कौन सा नियम पढ़ा था, सैथजैफ। कहने का मतलब है इस प्रकार का एल्कोहल है जिसमें दो एल्किन बनने की संभावना है तो मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपकी किताब में दिया हुआ है, यह है टू ब्यूटेनॉल। एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर है 443 केल्विन। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये तो अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो इसको अपन ने मान लिया बीटा डैश। पहली कंडीशन में एक उत्पाद तो यहाँ का बना दो, OH तो यहाँ से लो, H यहाँ से लो। H कहाँ से लेना, यहाँ से OH, तो आपका उत्पाद बना पहला CH2 द्विबंध CH2 और ये CH3, अर्थात 1-butene बना बेटा। क्या बना, 1-butene प्लस
कंडीशन OH यहाँ से जाए, H यहाँ से जाए, तो CH3 CH द्विबन CH और ये CH3 नाम बना बेटा 2-butene, क्या बना 2-butene। ये मैंने आपको बताया था बेटा 19% जब कंडीशन कौन सी थी, आप लोगों ने बोला विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी पार्ट नंबर 10 में, तो यहाँ पर एक विलोपन है, वहाँ V हाइड्रोहैलोजनीकरण था, यहाँ पर निर्जलीकरण है, बात वही है। तो ये आपका बनेगा 81% 2-butene। और किस नियम के अनुसार, सेथ जैफ नियम अनुसार, कौन सा नियम, सेथ जैफ नियम अनुसार, सेथ जैफ नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। तो 1-butene में एक प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है बेटा, द्विबंध से जुड़ने वाला एक प्रतिस्थापी है जो मुख्य रूप से ये रहा जिसको, और यहाँ द्विबंध वाले कार्बन से एक एल्किल समूह ये रहा और एल्किल दो जुड़ रहे, इसलिए यहाँ इसको 81% बनाओगे और इसको आप लोग 19% बनाओगे। कंडीशन याद रखना, कंडीशन यदि हो तो। फिर उसके बाद बेटा एक सवाल और लेता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, इसके अंदर आप लोग एक तरह से रीअरेंजमेंट के सिस्टम की बात करें तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, 2-butenol लिया, सांद्र-4 लिया है, यदि एग्जाम में पूछे कि यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में क्या है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में आप यही बनाओगे, अर्थात कहने का मतलब प्रश्न यह है कि क्या होता है जब 2-butenol की क्रिया सांद्र-4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर कराते हैं तो उत्पाद का IUPAC नाम होगा। तो उत्पाद का IUPAC नाम है 2-butene, जो है मेन प्रोडक्ट है उसी को ही आप लोग लिखोगे, जो साइड प्रोडक्ट है मतलब ये बाय प्रोडक्ट है वो कम मात्रा में, उसको आप लोग लास्ट में लिखोगे। तो आप लोगों का 81% 2-butene जो भी सेथ जैफ के नियम अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंध से जुड़ने वाले प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, इसीलिए 2-butene 81% और ये वाला कितना बनेगा बेटा 19%। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा जिसके अंदर आप लोगों को देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा पैदा होगा, और वो देखो कंडीशन कि CH3 और यहाँ पर ये OH और यहाँ CH2 और ये CH3, ठीक है बेटा। तो कंडीशन आप लोगों की देखो, यहाँ पर निर्जलीकरण की बात करें, क्रिया विधि की बात करें, तो इसका उत्पाद बनाएंगे पहले, तो पहले तो उत्पाद देखेंगे भाई, अपन ने बोला सांद्र H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन, उत्पाद का नाम बताना है। अपन जानते हैं अल्फा कार्बन बेटा, बीटा कार्बन बेटा, बीटा कार्बन बेटा, ये भी बीटा है तो ऊपर वाला भी बीटा हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो दो उत्पाद देखो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, यहाँ से बना रहे हो तो आपका बनेगा बेटा CH2 द्विबंध, ये CH3 और ये CH2 और ये CH3, पहला सही है गलत है, H तो यहाँ से लिया, OH यहाँ से लिया, ठीक है बेटा। आप IUPAC नाम लिख ही दोगे इसका, नंबरिंग 1 देना, नंबर 2 देना, नंबर 3 देना, नंबर 4 देना और इसका IUPAC नाम लिख लेना। आप लिख दोगे 2-methyl 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, फिर उसके बाद H यहाँ से हटाओ, OH यहाँ से, तो आपको उत्पाद बनेगा CH3, यहाँ से ये CH3, ये द्विबंध, ये CH2 और ये सिंगल बंद और ये CH3, तो आपका कौन सा उत्पाद बना बेटा, ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है बेटा। यहाँ वही बात है, वो 81% वाला मामला आपको दिखाई दे रहा है बेटा, द्विबंध से जुड़ने वाले प्रतिस्थापी, और ये वाला होगा 19% वाला मामला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सरल सा सवाल है और इसको आप लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आप लोगों को यदि उत्पाद पूछे तो आप लोग एल्किन बनाओगे, थोड़ा सा अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन को आप लोग ध्यान में रखोगे, तो इसका IUPAC नाम हो गया बेटा 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 2-methyl 1, 2, 3, 4 और 2-butenol और वो आपका एल्किन है ही, ये वाला भी आपका क्या बेटा एल्किन है। तो ये बेटा निर्जलीकरण की बात थी, अच्छी बात है कि इसके अंदर प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा, आपको इसका मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना, अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन की कंडीशन के हिसाब से आप लोग इसके अलग अलग क्या बनाओगे बेटा, उत्पाद बनाओगे, और उत्पाद बनाने के बाद आप लोग इसके उत्पादों का IUPAC नाम लिख दोगे। अगली रिएक्शंस इसके अंदर बेटा जो है
वो है बेटा अपचैन। क्या है बेटा? अपचैन। नेक्स्ट रिएक्शन, और नेक्स्ट रिएक्शन का मतलब नंबर दो मान के चलो, और रिडक्शन मतलब अपचैन, मतलब एल्कोहल, एल्कोहल अपचयित होकर एल्केन देते हैं। ध्यान रखना, क्या देगा? एल्केन देगा। अब यहाँ पर CH3, CH2OH प्लस HI के साथ अभिक्रिया करना, मतलब है HI की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे, प्लस तो छोड़ो, रेड पी ले रहे हो और प्लस HI ले रहे हो। क्या कराना है? इसको गर्म करना है। जब गर्म कर रहे हो तो आप लोगों बेटा एक तरह से अपचैन है, तो अपचैन की बात है कि यहाँ पर H2 ले लें। H2 लिया तो यहाँ से OH लेना और एक H यहाँ से लेना, बचे हुए H को यहाँ जोड़ना। क्या ये भी रिएक्शन है? और एक रिएक्शन हो रहे हैं, मैं बताऊंगा बाद में आपको। प्लस क्या बाहर निकालोगे? H2O बाहर निकाल देना। तो ये रिएक्शन, इसके अंदर आप लोग एल्केन बनाओगे, फिर उसके बाद HI के साथ क्रिया कराओ तो इसके अंदर एल्किल आयोडाइड का भी निर्माण होता है, जो आप लोगों ने पिछले सिस्टम में 85% HI लेके किया था, लेकिन यहाँ लाल फॉस्फोरस जब लोगे तो एल्केन का निर्माण कराओगे। तो ये एक तरह से कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? अपचयन अभिक्रिया हुई। तो ये जब एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से कराओगे, किसका निर्माण होगा बेटा? एल्केन का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, इसके अंदर वी हाइड्रोजनीकरण। क्या बेटा? वी हाइड्रोजनीकरण। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन। निष्कासन का मतलब बेटा बाहर निकालना होता है, अपन अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपनी केमिस्ट्री के अंदर वी हाइड्रोजनीकरण शब्द यदि लिखा मिले तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग क्या करोगे बेटा? हम कह सकते हैं वी हाइड्रोजनीकरण। तो आप कहने का मतलब इसके अंदर अपन जानते हैं बेटा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो CH3CH2OH। यदि इसकी अभिक्रिया आप लोग कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर कराएं, कितने में कराएं बेटा? 573 केल्विन ताप पर कराएं, तो वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकालो। अब हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं तो देखो बेटा, इस H को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे क्या क्या है हमारा? एथेनॉल। मतलब एथेनॉल की क्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर कराते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ से H लेना और यहाँ से भी H लेना बेटा। क्या दिख रहा है? CH3CHO। क्या दिखा? CH3CHO मतलब एथेनेल, प्लस आपका क्या बाहर निकला? H2 बाहर निकला। तो मतलब जब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन तक कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का नाम है एसिट एल्डिहाइड, और या हम कह सकते हैं इसका नाम IUPAC एथिनेल। समझ भाई? तो प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं शॉर्ट रूप में, प्राथमिक एल्कोहल कॉपर धातु 573 केल्विन ताप निर्माण एल्डिहाइड। ये ध्यान रखना, कोई सा भी एल्कोहल ले लेना प्राथमिक, आप लोग एल्डिहाइड का निर्माण करोगे। तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होगा, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है, और तृतीयक एल्कोहल से बेटा एल्कीन प्राप्त होती है। तो प्राथमिक से जितने भी हैं आप लोगों के, आप लोग एल्डिहाइड बनाओगे, और ठीक है बेटा, इसी बात आप लोग कह सकते हो कि बेटा आप लोग प्राथमिक एल्कोहल लिया तो एल्डिहाइड है, अंडरस्टूड है। ध्यान रख लेना कि कोई सा भी प्राथमिक एल्कोहल ले लो आप, और टेम्परेचर आपको 573 केल्विन दिखे और कॉपर धातु की उपस्थिति दिखे तो हाइड्रोजन का आप लोग क्या करोगे बेटा? निष्कासन करोगे। फिर उसके बाद आप लोगों का बेटा नेक्स्ट जो सिस्टम आता है कि यहाँ पर आपने प्राथमिक एल्कोहल का जब आप लोग वी हाइड्रोजनीकरण कराएं, मतलब कॉपर धातु 573 केल्विन ताप है तो एल्डिहाइड ही बनेगा। तो मैंने लिखा प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देगा। फिर उसके बाद आप लोग जो अगला है आप लोगों का वी हाइड्रोजनीकरण के अंदर द्वितीयक एल्कोहल वाला, और द्वितीयक एल्कोहल वाला आप लोग कहोगे कि बेटा आप लोग टॉपिक्स नंबर नेक्स्ट में लेंगे अपन,
और टॉपिक्स नंबर नेक्स्ट है 51। धन्यवाद।